हम लोगों ने आज एक फैसला किया है कि जो हालात है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर में सस्पेंड किया गया है कि हमारी राइट्स जो है उन पे पूरा हमला किया गया, उसके लिए हम लोगों ने सबने ये राय कायम की है कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर एक पीसफुल रियासत की हुकूमत के डिविजन कमिश्नर साहब के दफ्तर में चिट्ठी भेजेंगे, हमें इजाजत दी जाए हम पीसफुल प्रदर्शन कर सकें और उम्मीद है कि हमें इजाजत देंगे और वहां पे हम पीसफुल कुछ घंटे बैठेंगे। आज हमने ये निर्णय ले लिया है। साथ साथ अगर आपने कोई सवाल पूछना है एक बार भी पूछ लीजिए, कोई ज्यादा बात नहीं। इनको माइक दीजिए, माइक चाहिए, बोलिए बताइए और बोलिए। बहुत सवाल आपसे है कि जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की जमात से और सही मोहम्मद अता हमारे साहब की जमात से कोई भी शामिल नहीं हुआ, देखिए वो जो माफी करिएगा मैं आपको साथ कहता हूँ जी, वो सरकार की जमात, क्या आजाद साहब की जमात, सब सरकार की जमात। मैं बस आगे आगे चल, दरवाजे खुले हैं और चाहिए जो है ये डूबता हुआ जहाज है, बीजेपी का कहना है कि हाँ डूबता जहाज है, अगर ये डूबता हुआ जहाज है तो आप इस जहाज में आप भी डूब जाए। आगे बढ़िए, आज की बैठने के बाद पहले हम लोग प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ऑप्शन दूसरा कदम जो होगा वो हम आपके सामने लाएंगे। जहां तक गवर्नमेंट का मामला है, G20 किया, कहा हालात क्या बहुत अच्छे है, अभी आज आगा बहुत देख लीजिए एक्सेप्शन में 317 खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं, ये आपके होम मिनिस्टर के। तीसरा आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कहते हैं, हालात बहुत अच्छे हैं, रियासत तरक्की कर रही है, अगर कर रही है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड क्यों हुआ, फिर आप जब आपने वादा किया लोगों से कि पंचायत के इलेक्शन होंगे, DDC के इलेक्शन होंगे, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे, ये कैसे है कि रातों रात फैसला बदल गया। इसका मतलब है जो आपने G20 में कहा कि हालात सही है वो नहीं है, ये क्या है, जब इलेक्शन की बात आती है तो हालात खराब है, जब G20 के यहां लाना है एम्बेसडर को लाना है तब हालात बहुत अच्छे हैं, मेरी समझ में नहीं आया। देखिए ये तो आप खुद कह रहे हैं, इन्हें कहा पहले हमें डिलिमिटेशन कर दीजिए, डिलिमिटेशन भी हो गया, यहाँ जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो गई, उसके साथ मुझे लिस्ट बन गई। अब मुझे बताइए आप क्या चाहिए, जब सब कुछ इनके पास आ गया और हम इलेक्शन कमीशन के पास जब गए उन्होंने खुद कहा वैक्यूम है यहाँ पे और इस वैक्यूम के लिए इलेक्शन जरूरी है, अगर वैक्यूम है तो कहाँ है इलेक्शन। देखिए सुनिए ये क्या होगा वो आप उस दिन देखिए, वो जनता जो करेगी वो करना, आपने कोई जनता से नहीं कहा, जब यहाँ पे जनता ने प्रदर्शन किया 26 सड़कें बंद कर दिए गए, कैसे छूटे वो जब जनता एक हो गई और रातों रात उनको छोड़ दिया अपराधी। मैं जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मेहरबानी आप
शहरी भी है जम्मू कश्मीर के, इस मुल्क के हमारी तरह। इन्होंने एक खास बात कही है आज जो जहर बहस आई यहाँ हमारे इजलास में, अपोजिशन पार्टियों के लीडर ने जिन पर गौर किया, वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जम्मू कश्मीर में सस्पेंडेड है। तो कोई मामूली बात नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसके इंप्लीकेशन आप देख लीजिए। आज हमने यक राय होकर ये कहा है, इस नतीजे पर पहुंचे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक क्लाज का सवाल नहीं, ये सिर्फ कुछ राइट्स का धर्म है जिस पर हमने विचार किया आज दो घंटे आपस में बहस की, और हम यहां जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात को देखते हुए जम्मू की परेशानियां, कश्मीर की परेशानियां, यहां की बिजनेस की परेशानियां, लोगों की, जवानों की परेशानियां, ये सब परेशानियां देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल के नतीजे में मिला है, जो कि हमें हमारे फोर फादर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने पूरे मुल्क को दिया है एक दिशा, उस दिशा से, उस डायरेक्शन से, उन हुकूक से जम्मू कश्मीर के एक खिते को इस सरकार ने डिप्राइव किया है। और इसी वजह से ये गंभीर सवाल है, हम देशवासियों से अपील करना चाहते हैं, या टॉकिंग ऑफ दैट वी हैव इंटरलेटेड जम्मू एंड कश्मीर, बट दिस इज द गवर्नमेंट जिसने हमें अलाइदा किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से। जरूरत थी जम्मू कश्मीर के आवाम भी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाती, हम मुबारकबाद देते। लेकिन इसके बरक्स हुआ, जब से यह सरकार आई, इन्होंने जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन से ही मालूम कर दिया, जो हमारी नजर में, अगर आप सब कोई से काम लेंगे, ये कौन दुश्मनी के मुतरादिफ है, मुल्क का नुकसान है, हमारे नेशन का। अरे बड़े ने उनको बंद किया है तो वो भी यहाँ डिस्कस हुआ, जिक्र हुआ उसका, तो हम उसको कंडेम करते हैं सब लोग, जो बहुत कम ऐसे मीडिया आउटलेट्स बचे हैं जहाँ सरकार से सवाल होता है। तो हमारा मानना है कि जो आज अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। जो सच बोलते हैं, जो सरकार से सवाल करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, हमारी बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं उसके लिए सवाल पूछता है सरकार से, तो उन्हीं लोगों पे रेट पड़ते हैं, उन्हीं के खिलाफ यूएसपी लगता है। पहले तो खाली जम्मू कश्मीर में हमारे जर्नलिस्ट को जेल में डाला जाता था, यूएपीए लगाया जाता था, आज ये नुस्खा पूरे मुल्क में आजमाया जा रहा है। और हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने इसको कंडेम किया है, और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि जो जो गिल्ड है इंडिया का, प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो इसका नोटिस ले, और ये जो जातियां हो रही है, न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये जो प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, आई थिंक प्रेस गिल्ड ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो इसका नोटिस ले। और जो आप लोग हैं, आप में से भी जितने मुझे लगते हैं छोटे छोटे जो आप पोर्टल चलाते हैं, आप तो फिर भी हिम्मत करते हो, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के जो यहाँ नुमाइंदे हैं, उनकी क्या न्यूज होती है वो तो हम समझते हैं, उनको भी आज शायद कोई मसाला नहीं मिला, नहीं तो 9 बजे का प्राइम टाइम नहीं होता है। तो पर मैं फिर कहना चाहती हूँ, जो न्यूज क्लिक के साथ हुआ है, हम उसको कंडेम करते हैं पूरी तरह से। थैंक यू।